हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेबिकाइंड प्लस टैबलेट के बारे में, जो कि इस टैबलेट का इस्तेमाल गैस की समस्या में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा भी इसे बहुत से पर्पजों में इस्तेमाल किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं रेबिकाइंड प्लस टैबलेट के बारे में। इसमें कॉम्बिनेशन क्या है, कॉम्बिनेशनों का क्या काम है, कौन कौन से पर्पजों में इस्तेमाल करते हैं, क्या डोज है, क्या साइड इफेक्ट है, किसे नहीं लेना है, यह सभी बातें हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो बात करते हैं रेबिकाइंड प्लस टैबलेट, जो कि आपके पास के मेडिकल स्टोर पर बहुत ही आसानी से अवेलेबल हो जाता है, जो कि मैनकाइंड कंपनी की बनाई मेडिसिन है। 130 से 140 रुपए प्राइस होता है और 10 टैबलेट की पैकिंग होती है। अब बात करते हैं रेबिकाइंड प्लस टैबलेट में क्या क्या कॉम्बिनेशन है। तो इसमें आपको दो तरह के इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन अवेलेबल हो जाते हैं। पहला कॉम्बिनेशन है लिवोसल्फिराइड, जो कि हर एक टैबलेट में 75 mg अवेलेबल हो जाता है। जो दूसरा कॉम्बिनेशन है रेबिप्राजोल, जो कि हर एक टैबलेट में आपको 20 mg अवेलेबल हो जाता है। अब इन दोनों ही कॉम्बिनेशनों का क्या काम है। तो पहला कॉम्बिनेशन जो कि रेबिप्राजोल है, जो कि एक तरीके का प्रोटोन पंप इनहिबिटर है, एंटासिड, एंटी रिफ्लेक्स, एंटी अल्सरेटिव, प्रोटोन पंप इनहिबिटर के क्लास से बिलोंग करने वाला यह कॉम्बिनेशन है। इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा एसिड रिफ्लक्स की समस्या में किया जाता है, छाती में जलन होने की समस्या होती है, या पेप्टिक अल्सर होता है, आंतों में सूजन होती है, या कोई जख्म होता है, तो उन सभी कंडीशनों में दिया जाता है। इसके अलावा खट्टी डकार आने की समस्या होती है, तो उन सभी कंडीशनों में रेबिप्राजोल का इस्तेमाल करते हैं। इनके यह बेनिफिट होते हैं। लिवोसल्फिराइड जो कि एक तरीके का एटिपिकल एंटीसाइकोटिक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ड्रग्स, एंटी फ्लुएंट्स और एंटी इंफ्लेमेटरी के क्लास से बिलोंग करने वाला यह मेडिसिन है, जो कि इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज में इस्तेमाल किया जाता है, जिसे एसिड रिफ्लक्स भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के पर्पज में इस्तेमाल करते हैं, जो कि पेट में मरोड़ होना या पेट में दर्द होने की समस्या होती है, तो उन सभी कंडीशनों में इस्तेमाल किया जाता है, या बहुत ज्यादा एसिड बनने के कारण पेट में दर्द होता है, तो उन सभी कंडीशनों में भी दिया जाता है। इसके अलावा यह एक तरीके का साइकोटिक मेडिसिन है, जो कि स्किज़ोफ्रेनिया और डिप्रेशन जैसी कंडीशनों में भी दिया जाता है। तो यह दोनों ही कॉम्बिनेशन कंबाइंड होकर के काफी इफेक्ट देने का काम करती हैं, काफी बेनिफिशियल होती हैं। बात करें इस दवा का क्या डोज होता है, तो डोज डिपेंड करता है कि आपकी एज, हेल्थ की कंडीशन और आप इसे किस पर्पज में ले रहे हैं, उस हिसाब से इसका डोज का कंफर्मेशन होता है। इस दवा का इस्तेमाल और इसका डोज का कंफर्मेशन डॉक्टर की देख में करें। इस दवा का इस्तेमाल अगर आप खाली पेट लेते हैं तो आपको काफी अच्छा बेनिफिट देखने को मिलता है। बात करें क्या नुकसान हो सकता है, त्वचा में लालीपन, बहुत ज्यादा नींद आना, मुंह का सूखना, पेट में दर्द होना, चेहरे में सूजन आ जाना, चक्कर आना, इस तरीके के नुकसान देखने को मिल सकता है, पर यह बहुत ही रेयर केस होता है। किसे नहीं लेना है, प्रेग्नेंट लेडी, ब्रेस्ट फीडिंग मदर, किसी भी प्रकार का कोई भी क्रिटिकल कंडीशन में कोई आपको मेडिसिन कोर्स चल रहा है, तो उन सभी कंडीशनों में आप इसे इस्तेमाल ना करें। तो यही था रेबिकाइंड प्लस टैबलेट के बारे में जानकारी। अगर आपको वीडियो या जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको यह वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।